कोरोना की अग्नि परीक्षा में पवित्र निकली रामनगरी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी एक बार फिर से कोरोना वायरस से पूर्ण रूप से महफूज हो गई है। संजाफी हॉस्पिटल में कोरोना पॉजिटिव मिली गर्भवती महिला सहित अन्य सभी संबंधित लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। प्रशासन सहित महिला की परिजनों में और संपूर्ण अयोध्या जनपद वासियों ने सुकून की सांस ली है। कहते हैं ईश्वर सबकी मदद करता है, आखिरकार रामनगरी अयोध्या को खुशियों भरी राहत की खबर मिल गई है। लोग खुशियों से झूम उठे हैं। हॉस्पिटल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिला सहित उसका परिवार व संजाफी हॉस्पिटल के डॉक्टर व सभी स्टाफ की रिपोर्ट निगेटिव मिलते ही प्रशासन सहित महिला व परिजन तथा हॉस्पिटल के स्टाफ व चिकित्सकों में खुशी की लहर दौड़ गई। कोरोना वायरस पॉजिटिव महिला को प्रशासन ने सुल्तानपुर जनपद के कुड़वार सीएससी लेवल 1 हॉस्पिटल में आइसोलेट कराया है। 4 दिन पूर्व संजाफी हॉस्पिटल में इलाज हेतु महिला गई थी। हॉस्पिटल में कोरोना टेस्ट कराया था। यह टेस्ट प्राइवेट पैथोलॉजी लैब पैथ काइंड से हुआ था। इस जांच में गर्भवती महिला को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। हॉस्पिटल के डॉक्टर व सभी कर्मचारी इस समय शहर के तिरुपति हॉस्पिटल के डॉक्टर व सभी कर्मचारी इस समय शहर के तिरुपति होटल में क्वारंटाइन किए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिला की दूसरी रिपोर्ट निगेटिव आने से प्रशासन व समस्त जनपद में राहत की सांस ली है। भगवान राम की नगरी एक बार फिर से पूर्ण रूप से कोरोना वायरस से महफूज हो गई है। अयोध्या जनपद को कोरोना वायरस से सुरक्षित करने में डीएम अयोध्या अनुज कुमार झा, एसएसपी अयोध्या आशीष तिवारी और सीओ सिटी अरविंद चौरसिया, इन अधिकारियों की विशेष भूमिका रही है। इन प्रशासनिक अधिकारियों की कर्तव्य निष्ठा और सजगता के कारण राम की नगरी अयोध्या अभी तक सुरक्षित हो पाई है। इन अधिकारियों के कुशल रणनीति और इनकी कार्यशैली के प्रति हर जनपदवासी नतमस्तक है। राम सनेतु विकासखंड पूरा बाजार की इस महिला का कोरोना टेस्ट रिपोर्ट दिनांक 23 अप्रैल को पॉजिटिव आया था। उनकी सेकंड सैंपल सुल्तानपुर के द्वारा भेजी गई थी, सुल्तानपुर जनपद के मेडिकल लॉसेस के द्वारा भेजी गई थी एससीपीजीआई को, और आज उनकी जो है सेकंड सैंपल की रिपोर्ट आई है जिसमें वो कोरोना नेगेटिव पाई गई है। तो फिलहाल उनके जितने भी निकट संबंधी हैं और जिस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था उस अस्पताल के सारे जो स्टाफ है उनको फैसिलिटी क्वारंटाइन में रखा गया था, तो उनके निकट संबंधियों को छोड़ करके और उनके जो एकदम से जिन्होंने उनका इलाज किया था ऐसे लोगों को छोड़ करके अभी बाकियों को फैसिलिटी क्वारंटाइन से उनको होम क्वारंटाइन में भेजा जाएगा। और एक दो दिन बाद जो है महिला का पुनः एक थर्ड सैंपल किया जाएगा और जो निकट संबंधी है और निकट जो संपर्क है उनके फैसिलिटी क्वारंटाइन से होम क्वारंटाइन को जाने के बारे में फैसला जो उनके थर्ड सैंपल की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर लिया जाएगा। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 8445657566।